आपको बताते चले कि आज टनकपुर के बूम राफ्टिंग पॉइंट पर नेपाल की महिला सशक्तिकरण और उत्तर प्रदेश बलिया से आए शारदा नदी नागरिक मंच के बीच स्वच्छ पानी, लोक विज्ञान और महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पूर्व सूचना प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और लोक विज्ञान, स्वच्छ पानी, नारी सशक्तिकरण राफ्टिंग के द्वारा तटीय क्षेत्रों के समुदाय के आजीविका में वृद्धि को लेकर चर्चा हुई। आने वाले भविष्य में किस तरह से हम अपने जल संसाधन को स्वच्छ कर पाएंगे, इस पर गंभीरता से चर्चा की गई। शारदा नदी नागरिक मंच भारत व महिला सशक्तिकरण नेपाल के बीच बैठक संपन्न हुई। मुकुंद उपाध्याय ने बताया, हमने विश्व पानी दिवस मनाते हुए आज सामुदायिक आधारित जल प्रबंध को बेहतर बनाने और पूर्व सूचना लोक विज्ञान को लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा की, जिसमें शारदा नदी नागरिक मंच और वुमेन वाटर सेंटर नेपाल के बीच कई जनहित कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं नेपाल महिला सशक्तिकरण की तरफ से अंजू जोशी भट्ट ने बताया, इंडिया ऑक्सफॉर्म नेपाल ऑक्सफॉर्म ने मिलकर स्वच्छ पानी पर चर्चा की है। हमें इंडिया ऑक्सफॉर्म ने नेपाल से भारत बुलाया है, इस पर मैं इंडिया का धन्यवाद करती हूँ। हमारे संवाददाता से बात करते हुए रुचि धस्माना 55 विधानसभा चंपावत ने बताया, हमारे समाज में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही है। महिलाओं के हित को लेकर हमें चर्चा करते रहना चाहिए, महिलाओं का शोषण ना हो इसको लेकर महिलाओं को जागरूक करते रहना चाहिए। और इस कार्यक्रम में नेपाल से और उत्तर प्रदेश बलिया से आई महिलाओं का मैं स्वागत करती हूँ। महिलाओं ने इस कार्यक्रम में आकर जनहित कार्यों पर चर्चा करके अपना अमूल्य समर्थन दिया है। ऐसे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का कार्य मैं करूंगी। इस पूरे कार्यक्रम में जाफर आलम, मुकुंद उपाध्याय, चंदन कुमार द्विवेदी, आशीष विश्वकर्मा, विजय लक्ष्मी शारदा नागरिक मंच, अंजू जोशी भट्ट, डॉक्टर के श्रेष्ठ, फरीद अहमद, विजया कुमारी शुक्ला, एंजल अधिकारी आदि मौजूद रहे। जो आज आपने कार्यक्रम रखा है, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है? ये कार्यक्रम कल विश्व पानी दिवस था और हमको नेपाल में बुलाया गया था, तो आज हमने भी आज भारत में विश्व पानी दिवस को मनाते हुए समुदाय आधारित जल प्रबंधन को कैसे बेहतर बनाया जाए और इसमें पूर्व सूचना, लोक विज्ञान, किस तरीके से समुदाय आधारित जल प्रबंधन को बेहतर बना सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्योंकि महाकाली नदी के तटीय क्षेत्र में जो समुदाय हैं वो नेपाल में भी हैं, भारत में भी हैं, तो इन दोनों समुदाय को एक साथ एक मंच पे लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ऊपर पानी, अगर मान लीजिए कि पूर्व सूचना की अगर हम बात करें, ऊपर से अगर सही पानी जब छोड़ा जाता है, अगर सही समय पे सूचना मिल जाए तो नीचे के जो समुदाय है वो अपने खेतों को, अपने जीवन को बचा सकते हैं। और इस पे सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम जल प्रबंधन की बात करते हैं तो नारी सशक्तिकरण की, क्योंकि पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का जो इसमें रोल होता है उसको समझना ज़रूरी है। और इसमें जब हम जल प्रबंधन की बात करते हैं, सरकार की भूमिका, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका, जो एकेडमिशियन है उनकी भूमिका, इन सब पे हम चर्चा करते हैं। और आज शारदा नदी नागरिक मंच जो कि एक इनफॉर्मल नेटवर्क है लोगों के द्वारा बनाया गया और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है नेपाल में, इन दोनों ने निर्णय किया कि वो एक साथ बैठ के चर्चा करेंगे, पानी पे चर्चा करेंगे। और पानी से संबंधित आप अगर महाकाली की बात करें, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखें महसीर एक ऐसी मछली है जो यहाँ पे अब एंडेंजर्ड स्पीसीज है। आप बात करें कि अगर डिजास्टर्स की बात करें, पूर्व सूचना समय पे नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोगों को इसका खामियाजा झेलना पड़ता है, तो इसीलिए आज ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और हमने ऑक्सफॉर्म नेपाल और ऑक्सफॉर्म नेपाल के जो सहयोगी हैं उनको आमंत्रित किया था, उन्होंने उनको यहाँ लेके आए थे। और आने वाले दिनों पे जब वो हमें बुलाएंगे हम भी जाएंगे और पानी पे हम चर्चा करेंगे। महिला सशक्तिकरण को लेके मैडम क्या कहना चाहती हैं? महिला सशक्तिकरण को लेकर के यही है कि महिलाओं की जो भूमिका रही है वह हमेशा ही हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, तो जिसमें महिलाओं ने अपना सहयोग और पूरा समर्थन दिया है, और चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, सभी तरह से। और ये जो हमारी वहाँ से जल ये जो संस्थान की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ से हमारी ये आई हैं बहन काठमांडू से, कंचनपुर महेंद्रनगर से आई हुई हैं, और ये जो नागरिक जल मंच का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी हम महिलाओं की भूमिका चाहते हैं कि महिलाएं इसमें जागरूक हों और जागरूक करें भी वह जल के माध्यम से, वह कैसे जल
संरक्षण को लेकर के जल ही जीवन है ये हमारे कई रूप में दिखाई देता है, जैसे कि जल का संरक्षण हो गया है, जल के थ्रू कैसे उसको पीने योग्य बनाया जाए, कैसे उसका स्टोरेज किया जाए, यह सब इन मंच के थ्रू इनको दिया जाएगा, सारा जागरूकता की जाएगी। और मैं यहाँ टनकपुर से हूँ, उत्तराखंड भारत से, तो मैं इनका स्वागत करती हूँ और मैं चाहूँगी कि समय समय पर ये आकर के अपना सहयोग, अपने विचार हमारे पास रखें, ताकि हमें भी और हमारे विचारों को सुने, ताकि हम दोनों के विचारों के आदान प्रदान से जो भी समस्याएं हैं जल संबंधित या अन्य हैं उनको हम सुलझा सकें। खास करके नदी के बारे में, नदी की जल, क्योंकि नदी के जो आजकल पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि हमारे काफ़ी बीच में एक अभियान भी चला था गंगा क्लीन का, तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छी योजना रही है, और उनको जागरूक करना और उनको कैसे पीने योग्य बनाना, यह सब हमारे मतलब, क्योंकि जल के संरक्षण हमारे लिए बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहाँ से आई हैं मैडम? सर्वप्रथम मेरा नमस्कार, मैं नेपाल के कंचनपुर जिला के महेंद्रनगर से आई हूँ और मैं नीट्स नेपाल की अध्यक्ष हूँ, जो ऑक्सफाम नेपाल के साझेदारी संस्था है। हम लोग इंडिया ऑक्सफाम और नेपाल ऑक्सफाम दो जो महाकाली नदी के तटीय के बस्ती है, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यहाँ की महिलाओं को कैसे उजागर किया जाए और महिला एम्पावर कैसे बढ़ाया जाए और उनका अधिकार कैसे लिया जाए, उनको दिलाया जाए, इस बारे में हम बहस करते हैं, करवाते हैं। और ये महाकाली नदी के तट में जो समुदाय हैं, ये सभी महिलाएं पहले से बहुत पानी का भी यहाँ दूषित पीते रहते हैं, ये महाकाली का पानी पीने वाला गांव भी बहुत है नेपाल में भी, और ये पानी कैसे शुद्धिकरण का किया जाए, शुद्धिकरण करने का क्या क्या प्रक्रिया होता है, ये भी समुदाय के महिलाओं को सिखाया है। आज यहाँ हमें ऑक्सफाम इंडिया ने आमंत्रित किया है कि